देखने वाले हैं क्रॉस एल्डोल संघनन क्रिया। तो आइए जानते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन हमारा क्या होता है। सबसे पहले क्रॉस एल्डोल संघनन में होता क्या है, तो जब कार्बोनल यौगिकों के दो एक समान अणुओं के मध्य संघनन की क्रिया ना कराकर, माने एक समान अणुओं के मध्य हमें संघनन की क्रिया नहीं करानी है, अलग अलग अणुओं के मध्य क्या कराई जाती है, संघनन की क्रिया कराई जाती है, तो इस प्रकार के संघनन को आप क्या कहते हैं, मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आइए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिट एल्डिहाइड हम दो अलग अलग यौगिकों को लेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड का HCHO। ऐसा होता है, इसको हमने अलग प्रकार से लिखा ताकि हम समीकरण को अच्छे से क्लियरफाई कर सके। अब इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, एसिट एल्डिहाइड के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, एसिट एल्डिहाइड। तो हम एसिट एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CH3CHO होता है। क्या होता है, CH3CHO। तो आइए इसको भी हम थोड़ा अलग प्रकार से लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यानी ये पूरा क्या माना जाएगा हमारा, CH3 माना जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, जो आपने H सिंगल बॉन्ड CH2 लिखा है ये आपका पूरा क्या माना जाएगा, CH3। अब बाकी C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यानी CH3CHO, ये हो गया हमारा एसिड एल्डिहाइड। तो अलग अलग फॉर्मूले हो गए, ये हमारा किसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका हो गया आपका, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। अलग अलग अणुओं के मध्य हमने संघनन की क्रिया कराई, और ये जो क्रिया की, ये तनु NaOH की प्रेजेंटेशन यानी उपस्थिति में की। किसकी उपस्थिति में की, तनु NaOH की उपस्थिति में की। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिखेंगे, केवल हमें इस H को, ये वाला जो आपका H है, इस H को आप किसके साथ लिख देंगे, O के साथ लिख देंगे। किसके साथ लिख देंगे, O के साथ लिख देंगे, बाकी हम सेम उतार देंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आप देखेंगे तो O किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, तो हो जाएगा OH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि उसके साथ H लग गया है, तो वहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, और नीचे सिंगल बॉन्ड H का, सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारा, ये बचा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमें प्राप्त हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है, ये हमारा हो गया यहाँ पर उत्पाद, केवल यहाँ का H इस O के साथ लग गया, और हमने यहाँ पे क्रिया में देखा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनैल्डिहाइड का यहाँ पे निर्माण होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनैल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी, इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन के नाम से जानते हैं।